हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं जो फिर से हमारा क्या है बेटा, रिकर्शन बेस्ड है। और आज की क्लास में भी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिखाने वाला हूँ और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था बेटा, उसका भी हम आपको आंसर करने वाले हैं। तो बेटा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, हम आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और आज का फिर से हम आपसे एक न्यू क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं रिकर्शन रिलेटेड। आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि हम क्या करने वाले हैं बेटा, चेक पैलेंड्रोम, ठीक है। पर ये जो चेक पैलेंड्रोम है ये हमें रिकर्सिव करना है, ये मैंने आपको टास्क दिया हुआ है। पर बेटा ये जो काम करना है ये मुझे किसी एक अरे पे काम करना है। तो आइए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि पैलेंड्रोम होता क्या है। पर अब ये हमें बेटा किसी स्ट्रिंग पे चेक नहीं करना है, ये हमें चेक करना है किसी इंटीजर अरे के लिए। जैसे कि अब बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भाई ये 2332, तो बेटा मुझे बताइए इस अरे को अगर मैं लेफ्ट टू राइट रीड करूं तो बेटा ये हो जाएंगे इसके एलिमेंट 2332, और मैं इसको राइट टू लेफ्ट भी रीड करूं तो भी बेटा ये क्या हो जाएगा 2332। यानी कि आप लेफ्ट टू राइट रीड करो कि राइट टू लेफ्ट रीड करो, दोनों भी क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम। पर बेटा पैलिंड्रोम के लिए मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, जैसे कि बेटा ये जो लेंथ थी यहाँ पे अरे की, यहाँ पे बेटा n इक्वल टू 4 था, तो बेटा देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, ये पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम है, सेकेंड एलिमेंट और लास्ट सेकेंड एलिमेंट सेम है। ऐसा करते करते देखो बेटा बीच में कुछ बचा ही नहीं, यानी कि बीच में क्या हो गया, जीरो एलिमेंट्स रिमेनिंग हुआ। पर व्हाट इफ की मुझे बताओ कि अरे की साइज़ क्या होती थी बेटा, अरे की साइज ऑड होती थी। सपोज मैं बोल देता हूँ n इक्वल टू 5 और मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया 1 2 3 2 1, तो मुझे बताइए बेटा 1 2 3 2 1, और इसको आप लेफ्ट टू राइट रीड करो कि राइट टू लेफ्ट रीड करो, एक ही समान है, यानी कि ये भी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। पर देखिए बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे n की लेंथ क्या है बेटा, ऑड है। तो देखिए पहला यानी कि हमारा जो पहला ये है नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये सेम है बेटा, लेफ्ट से सेकंड नंबर और लास्ट सेकंड नंबर ये भी सेम है, और थर्ड में बेटा देखो क्या हो रहा है, एक सिंगल डिजिट बीच में बच गया, ठीक है। तो एक सिंगल डिजिट, देखिए जब भी लेंथ हमारी ऑड होंगी बेटा तब ये बीच में एक सिंगल डिजिट रिमेनिंग बच जाएगा, तो बेटा ये पैलिंड्रोम ही होता है। कैसे पता, मुझे बताइए कि 1 2 3 3 1 2 3 2 1, क्या ये लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट का सेम नहीं आ रहा क्या, यानी कि मिडल में एक सिंगल कैरेक्टर हो या फिर मिडल में कैरेक्टर बचे ही ना, यानी कि मैं पहला लास्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड लास्ट थर्ड, फोर्थ लास्ट फोर्थ, ऐसा एंड सो ऑन चेक करते जा रहा हूँ और वो सेम आते जा रहा है। तो ऐसा करते करते बीच में या तो जीरो कैरेक्टर्स यानी जीरो नंबर्स बचेंगे या फिर एक नंबर बचेगा, दोनों ही केस वैलिड है। अब बेटा ये हम इतना डिटेल में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से सॉल्व करना है बेटा, रिकर्शन से, तो रिकर्शन से करना है। तो बेटा मुझे तीन चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, एक तो बेस केस सोचना पड़ेगा, एक रिकर्सिव कॉल सोचना पड़ेगा, और थर्ड हमारा क्या आएगा, वन टाइम कैलकुलेशन। तो बेटा मैं आपको वही, ये इतना डिटेल में जो मैंने आपको इवन लेंथ और ऑड लेंथ को डिस्क्राइब किया बेटा, तो वही रीज़न है कि मुझे आपको क्या सिखाना था, बेस केस। तो बेटा यहाँ पे हम दो बेस केस लेंगे, कैसे पता, ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बोला भाई ये अरे की जो साइज़ है बेटा या ये तो क्या है, जीरो है। तो मुझे बताइए बेटा अरे में जीरो एलिमेंट्स है तो बेटा वो पैलिंड्रोम है, हाँ पैलिंड्रोम है, तो बेटा हम क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अच्छा मुझे बताइए, मैंने बोला आपको इस अरे की साइज़ जो है वो क्या है, वन है, यानी कि अरे में एक ही एलिमेंट है, सपोज़ वो है हमारा 10, तो बेटा इस एक एलिमेंट को आप लेफ्ट टू राइट रीड करो कि राइट टू लेफ्ट रीड करो, बेटा ये भी क्या होने वाला है, पैलिंड्रोम। यानी कि बेटा यहाँ पे ये दोनों भी कंबाइनली क्या ट्रीट होगा, बेस केस, यानी कि अरे की साइज़ जीरो है तो भी वो पैलिंड्रोम है, अरे की साइज़ वन है तो भी वो क्या है बेटा, पैलिंड्रोम है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड व्यू बता देता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक कहाँ से करने वाले हैं और किस पार्ट पे हम काम करेंगे, किस पार्ट पे हमारा। मैंने लिया सपोज 10 20 20 10, ठीक है, चलिए दोनों ले लेते हैं, एक ऑड लेंथ भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अभी लिया था 1 2 3 2 1, बताइए जल्दी से दोनों पैलिंड्रोम है, हाँ है। तो चलिए क्या करना है हमें, हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक कहाँ से करेंगे और किस पार्ट पे हम काम करेंगे, किस पार्ट पे रिकर्शन काम करेगा। तो बेटा मैंने आपको बार बार बोला था कि हम शुरुआत के, यानी कि मैं जो करता हूँ वो पहले एलिमेंट पे मैं काम करता हूँ। तो बेटा पैलिंड्रोम के केस में देखिए बेटा होना क्या चाहिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये लास्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो बेटा ये काम हम करेंगे क्या, यानी कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम है कि नहीं है, ये हम कॉल करेंगे, हम चेक करेंगे। और ये मिडल पार्ट पे हम क्या कर देंगे बेटा, रिकर्सिव कॉल कर देंगे। आई होप आप समझ रहे हो क्या। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये चेक करने का काम हमारा वन टाइम कैलकुलेशन में आएगा। और ये मिडल पार्ट यानी कि पहला और लास्ट एलिमेंट दो एलिमेंट कम करके ये जो बीच में का अरे है बेटा, ठीक है, मिडल पार्ट ऑफ द अरे पे हम क्या कर देंगे, रिकर्सिव कॉल कर देंगे। यानी कि अल्टीमेटली हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा लॉजिक क्या लगा रहे हैं। सपोज मैंने आपको बोल दिया बेटा कि हमारे पास कोई एक अरे है,
चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 4, 6, 8, ठीक है, यहाँ पे भी ले लिया मैंने 2, 4, 6, 8, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया सपोज 10, तो बेटा ये कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 9। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो पहला पार्ट है ये 2, ये 2, यानी ये दोनों, यानी कि पहला नंबर और लास्ट नंबर सेम है कि नहीं है ये हम चेक करेंगे, और ये जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट इतना अरे हम किसको दे देंगे बेटा, रिकर्शन को दे देंगे। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि हम अगर सेकंड एलिमेंट से अरे पास करना चाहते हैं तो हम a प्लस वन पास कर देते हैं अगर इस कंप्लीट अरे का नाम a है तो। पर बेटा अब हमें साइज 2 से रिड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि अब हमारी जो n नाम की साइज होगी अब वो हम उसकी जगह पे क्या पास करेंगे, n माइनस 2। क्योंकि बेटा मुझे एक बात बताइए, ये हमारा कंप्लीट अरे जो है वो कितने एलिमेंट्स का है, 9 एलिमेंट्स का है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट स्किप करके मिडल के जो 7 एलिमेंट्स का आ रहे हैं वो मुझे पास करना है। तो बेटा मुझे बताइए स्टार्टिंग एड्रेस अगर हमारा ए में स्टोर है तो ए प्लस वन में हमारा क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है। और मैं साइज क्या दे दूंगा बेटा, एन माइनस 2, यानी कि एन हमारा 9 था तो अब हमारा एन माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7। यानी कि इस एड्रेस से आप क्या कीजिए, 7 एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि मैंने दो एलिमेंट कम करके अरे पास कर दिया। चलिए तो मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, आपको कोड कर देता हूँ सो देट आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेंगी। फिर मैंने जो आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक जनरल टेम्पलेट बना के रखा हुआ, यानी कि मेन यानी कि मैंने ड्राइवर्स कोड लिख के रखा हुआ है बेटा। क्या मैंने इंटीजर एन, सीन एन, यानी यूजर से एक एन नाम का नंबर इनपुट लिया, मैंने एक अरे डायनेमिक क्रिएट किया उसको इनपुट लिया, और मैंने यहाँ पे इस पैलेंड्रोम यानी कि इस पैलेंड्रोम करके एक मेथड कॉल की हुई है जिसको ए नाम का अरे और एन नाम की साइज पास किया, और इस मेथड का आंसर अगर ट्रू आया तो मैं सीआउट में ट्रू प्रिंट कर रहा हूँ, इस मेथड का आंसर फॉल्स आया तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं। और ये मेथड की डेफिनेशन मुझे कंप्लीट करनी है, और जिसका रिटर्न टाइप हमारा क्या है, बुलियन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। आइए जल्दी से मैं काम कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो बेटा मैं देखिए हमारे रिकर्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं, तो अब आपको बेटा डायरेक्टली भी कोड करते आना चाहिए। मैं समझता हूँ बेटा कि आप ये मेरे से पहले भी कोड कर सकते हो। क्या तीन चीज़ें आपको मैंने बोली, क्या पहली बोली मैंने आपको बेस केस, क्या बोला था हमने आपको बेस केस, अगर n इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर हमारा n इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, n इक्वल टू वन, यानी कि हमारे अरे की साइज अगर एक एलिमेंट की हो या फिर जीरो एलिमेंट की, तो हम आपको बोले थे बेटा कि वो ऑलवेज क्या होता है, पैलिंड्रोम। तो हम यहाँ से रिटर्न क्या करवा देंगे बेटा, हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि एक साइज का जो अरे होता है बेटा वो पैलिंड्रोम होता है। क्योंकि एक एलिमेंट को बेटा आप आगे से रीड करो कि पीछे से रीड करो, वो क्या होगा, सेम होगा, यानी पैलिंड्रोम होगा। तो इफ एन इक्वल टू जीरो और एन इक्वल टू वन, देखिए ये और का सिंबल है, तो रिटर्न ट्रू कर दो बेटा। ये क्या थी हमारी बेस केस। अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे मुझे काम करना है, यानी कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो बेटा मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, क्या इफ़ ए ऑफ जीरो, यानी कि ए ऑफ जीरो यानी कि पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, हाँ नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ, क्या आ जाएगा बेटा, एन माइनस वन। मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर मैंने आपको बोला कि एन साइज का अरे है तो उसकी इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो टू एन माइनस वन, यानी कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो किस एलिमेंट पे पड़ा होता है, किस इंडेक्स पे पड़ा होता है, एन माइनस वन पे। तो बेटा ए ऑफ जीरो यानी कि पहला एलिमेंट हो गया, ए ऑफ एन माइनस वन यानी कि लास्ट एलिमेंट। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बराबर नहीं है बेटा, अगर वो बराबर नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा, वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। आई होप आप समझ रहे हो, यानी कि बेटा मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट चेक किया, अगर वो दोनों सेम नहीं हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, तो हमने रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। अब मुझे बताइए अगर पहला और लास्ट एलिमेंट यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट एलिमेंट और राइट साइड से फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों सेम है तो हमने क्या करना चाहिए बेटा, अगर ये दोनों सेम है तो हमें मिडल पार्ट यानी कि दो एलिमेंट स्किप करके मिडल पार्ट को चेक करना पड़ेगा, और जो हम रिकर्शन को बोलने वाले हैं कि ये आप चेक करके लाइए, ठीक है। तो बेटा अब मुझे क्या करना है, यानी हमारा ये जो कंट्रोल है ये लाइन नंबर 9 और 10 पे तब पहुंचेगा जब हमारा पहला और लास्ट एलिमेंट सेम होगा। अब अगर पहला और लास्ट एलिमेंट सेम है बेटा तो हम यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे पहुंचेंगे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, मैंने यहाँ पे बुलेन और मैंने यहाँ पे कर दिया आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल, ठीक है। और आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल में बेटा मैंने क्या कर दिया, फिर से इस पैलिंड्रोम यानी कि ये इस पैलिंड्रोम मेथड फिर से मैंने क्या कर दी, कॉल कर दी। पर बेटा ये जो इस पैलिंड्रोम मेथड मुझे कॉल करनी है, ये तो मुझे a प्लस वन यानी कि पहला एलिमेंट छोड़ के मुझे सेकंड एलिमेंट से इसको अरे देना है। पर क्या लगता है आपको, क्या मुझे पूरा अरे देना है कि एक साइज कम करके देना है कि दो साइज? तो बेटा मुझे यहाँ पे अरे की साइज 2 से रिड्यूस करके पास करनी है, यानी कि बेटा मुझे यहाँ पे n माइनस 2 देना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। और मैं समझता हूँ बेटा पहला और लास्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो गया, पहला और लास्ट एलिमेंट सेम है तो हम यहाँ पे आ गए।
अरे यहाँ पे आ गए तो हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम चेक कर रहे हैं कि मिडल पार्ट यानी कि पहला और लास्ट एलिमेंट छोड़ के बीच वाला सॉर्ट ये है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो बेटा मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना पड़ेगा, बेटा मुझे यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा यही जो हमारा आंसर आया हुआ है आंसर फ्रॉम रिकर्सिव कॉल, यही मुझे यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बेटा। देखिए क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा ले लिया, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 1221, ठीक है। मुझे बताइए हम अंदर गए और हमारी साइज़ कितनी है, अरेगी 4, अंदर गए तो n इक्वल टू जीरो या फिर n इक्वल टू 1 है क्या, नहीं। मुझे बताइए ये 1 और ये 1 क्या नॉट इक्वल्स है क्या, नहीं, ये तो सेम है, तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया। बेटा अगर ये दोनों सेम है तो ही हमारा कंट्रोल यहाँ रीच हो रहा है, तो बेटा अब हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, किस पे, मिडल पार्ट पे। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, पहला और लास्ट एलिमेंट सेम है तो ही हम यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम है तो हमें क्या करना है, फिर ये जो मिडल पार्ट है अगर ये हमारा क्या है पैलिंड्रोम है यानी इसका आंसर ट्रू आता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और इस मिडल पार्ट का आंसर फॉल्स आता है यानी मिडल पार्ट हमारा पैलिंड्रोम नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। आई होप आप समझ रहे हो, यानी कि मेरा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम होगा तो ही बेटा हमारा कंट्रोल हमारा जाने वाला है लाइन नंबर 10 पे। और बेटा इस कोड को तो मैं सिंपली ऐसा भी कर सकता था, इतना सब न करके हम सीधा सीधा क्या कर सकते थे बेटा, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एक्स और सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, ये हमारा यहीं पे हो जाएगा कंट्रोल बी, यानी कि और ये हम लाइन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बोलने का मतलब ये होता है बेटा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम है तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या करवा दे रहे हैं कि अब बेटा मिडल पार्ट यानी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट छोड़ के वो सॉर्ट ये पैलिंड्रोम है तो हमारा पूरा अरे सॉर्ट ये है पैलिंड्रोम, अगर हमारा मिडल पार्ट पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या है हमारा गिवन कंप्लीट अरे भी पैलिंड्रोम नहीं है। चलिए मैं इसको जल्दी से रन कर देता हूँ और फिर मैं आपको ड्राई रन कर देता हूँ, छोटी सी क्लास है आज की। देखिए मैंने सबसे पहले तो 4 एलिमेंट्स दिए, फिर एलिमेंट दिया बेटा मैंने 1 2 2 1, क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए मुझे बताइए, 1 2 2 1, इसको लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट, सेम है तो आंसर ट्रू आना चाहिए। देखिए आंसर हमारा ट्रू आया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए एक बार रन कर देते हैं, सपोज मैंने इसको फिर से रन कर दिया और मैंने अब क्या दे दिया बेटा, लेंथ क्या दे दी 5, और सपोज मैंने दे दिया बेटा यहाँ पे 10 20 30 20 10, ठीक है, और एंटर किया मैंने, तो देखिए ये क्या था हमारा पैलिंड्रोम था। चलिए एक हमारी एक ऐसी भी स्ट्रिंग दे देते हैं जो हमारी पैलिंड्रोम नहीं है, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया बेटा 4 और मैंने एंटर कर दिया और मैंने दे दिया 1 2 3 4 नहीं हो गया ये 1 2 32 4, चलो एंटर कर देते हैं तो बेटा क्या आया फॉल्स, क्योंकि हमारे ये चारों नंबर पैलिंड्रोम सिक्वेंस नहीं है। चलिए हम इसको जल्दी से क्या कर देते हैं, ड्राई रन कर देते हैं सो देट आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे, सपोज बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक अरे ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और 2 1, ठीक है, और लेंथ कितनी हो गई बेटा 5 हो गई, जल्दी से हमारा रिकर्सिव कॉल हो गया, अरे में आ गया दिस। अब जल्दी बताइए क्या हो रहा है, पहले क्या ये n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1 है, नहीं भाई, पहला एलिमेंट 1 और ये 1, क्या ये नॉट इक्वल्स है, नहीं, ये तो दोनों इक्वल है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, तो बेटा इसने रिकर्सिव कॉल कर दिया। क्यों रिकर्सिव कॉल कर दिया, क्योंकि बेटा पहला और लास्ट एलिमेंट सेम है तो अब ये बोलता है कि आप क्या करो, अगर 2 3 2 अगर ये इतना अरे पैलिंड्रोम है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, ये पैलिंड्रोम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और इसके साथ साथ हमारे पास साइज क्या आ गई बेटा 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा कंट्रोल फिर से अंदर गया, अब ए नाम के अरे में बेटा 3 एलिमेंट आए हुए हैं, एन में हमारा 3 आया हुआ है, जल्दी बताइए क्या ये साइज 0 या फिर 1 है, नहीं, क्या ये 2 और ये 2 नॉट इक्वल है, नहीं, ये तो इक्वल है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न होने नहीं वाला, तो बेटा रिटर्न इस पैलिंड्रोम यानी कि एक रिकर्सिव कॉल हो गया। अब तो हुआ बेटा वो एक एलिमेंट पे, कैसे पता, देखो ए प्लस 1 यानी कि हम सेकंड इंडेक्स से पास कर रहे हैं और साइज हम 3 की जगह क्या पास कर दे रहे हैं 1, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये एक एलिमेंट का अरे जिसमें 3 पड़ा हुआ है उसके लिए तीसरी बार फिर से ये क्या हुआ मेथड कॉल हुआ। अब अंदर गए, अब बताइए एन इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 1 है, हाँ एन इक्वल टू 1 है, तो बेटा बेस केस हिट हो गई, तो इसने अपने प्रीवियस कॉल को आंसर क्या रिटर्न कर दिया होगा बेटा, ट्रू रिटर्न कर दिया होगा। कैसे पता बेटा, एक एलिमेंट का अरे तो पैलिंड्रोम होता है, और मुझे बताइए बेटा ये जो हमारी रिकर्सिव कॉल थी जिसमें 3 एलिमेंट थे 2 3 2 और जिसमें एलिमेंट की साइज क्या थी, अरे की साइज 3, तो बेटा इसने क्या लॉजिक लगाया, भाई ये मेरा पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 2 2 ये सेम थे, मिडल पार्ट का भी आंसर नीचे से क्या आ गया ट्रू, तो बेटा ये भी अपने प्रीवियस कॉल को रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। आई होप आप समझ रहे हो, रिकर्शन ऐसे ही चलता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब बताइए बेटा ये जो हमारी ओरिजिनल कॉल थी यानी कि 5 एलिमेंट वाली,
बेटा इसने क्या लॉजिक लगाया, इसने बोला बेटा ये पहला एलिमेंट वन और लास्ट एलिमेंट वन सेम थे, तो मैंने रिकर्सन को बोला था बेटा कि अगर मिडल पार्ट पैलेंड्रोम है तो तू पैलेंड्रोम बोल देना, अगर मिडल पार्ट पैलेंड्रोम नहीं है तो तू फॉल्स बोल देना। तो बेटा ये 232 का आंसर तो नीचे से हमारा ट्रू आ गया, पहले दोनों एलिमेंट भी यानी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी बरोबर थे, मिडल पार्ट भी हमारा पैलेंड्रोम है, तो कंप्लीट अरे हमारा पैलेंड्रोम हो गया। तो इसने भी फाइनली हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैं क्या कर देता हूँ आपको, एक जल्दी से क्या कर देता हूँ, जो पैलेंड्रोम नहीं है वो ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 और साइज कितनी 3। चलिए ऊपर गए तो 3 साइज का अरे आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई। क्या जल्दी बताइए क्या ये 0 या फिर 1 है? नहीं, मुझे बताइए ये 1 और ये 3, ये 1 और 3 क्या है, नॉट इक्वल है? हाँ नॉट इक्वल है। तो बेटा ये डायरेक्ट हमारा क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए कल चल के सपोज अरे ये ऐसा भी होता था भाई, देख जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और सपोज यहाँ पे फिर से आ गया 1। तो बेटा होता क्या था, बेटा ये 1 और 1 सेम होता था यहाँ से, हाँ सेम होता था, तो हमारा रिकर्शन कॉल होता था 2 3 4 पे, ठीक है 2 3 4 पे हुआ। पर बेटा ये क्या 2 और 4 सेम है? नहीं। तो बेटा ये इसको फॉल्स रिटर्न कर देता था, ये इसको फॉल्स रिटर्न कर देता था। तो बेटा ये हमारी कॉल क्या लॉजिक लगाती थी कि भाई ये 1 और ये 1 यानी पहला और लास्ट एलिमेंट तो सही था, पर मिडल पार्ट पैलेंड्रोम नहीं है क्योंकि उसका आंसर नीचे से फॉल्स आया हुआ है। तो बेटा ये भी हमें क्या रिटर्न कर देता था, फॉल्स रिटर्न कर देता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रही बात लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन ये था कि हमारे जो रिकर्शन के 4 टाइप्स थे उसमें से जो तीसरा टाइप था बेटा नेस्टेड रिकर्शन, तो नेस्टेड रिकर्शन का मुझे आपको एग्जांपल बताना था। तो बेटा एकरमैन्स फंक्शन होता है, एकरमैन्स फंक्शन आप गूगल पे सर्च कीजिए या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की स्टैंडर्ड ऑथर में देखिए, आपको पता चल जाएगा। एकरमैन्स फंक्शन का जो रिकर्शन डेफिनेशन है बेटा रिकर्सिव, उसमें क्या होता है सेम फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन क्या होता है कॉल होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बेटा नेस्टेड रिकर्शन। चलिए नेक्स्ट क्लास का आपका क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर 4 जो था एक्सेसिव रिकर्शन, उसका मुझे एग्जांपल चाहिए। तो आप क्या कीजिए बेटा, कमेंट करके बताइए, मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देने वाला हूँ। और रिकर्शन की प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये जो चेक पैलेंड्रोम है ये स्ट्रिंग्स के लिए काम करते हैं, पर ये बहुत बार एग्जांपल हमारा इंटीजर अरे के लिए भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आज इंटीजर अरे पे भी ले लिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि फर्स्ट एलिमेंट पे काम करना, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे ही काम हो। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट दोनों को चेक करना पड़ रहा था, और हमें जो रिड्यूस्ड इंस्टेंस पे कॉल करना पड़ता था रिकर्सिव, वो हमें 2 एलिमेंट घटा के n-2 पे कॉल करना पड़ता था। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।